Hare
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एकदम कर ना किसी चा कर तुम किसी कही पार कृष्ण अवतीर्ण हार कारण अच्छी कह सीधा हमारे बेसी तो भली हो ठीक है एकदम पॉइंट पॉइंट बताते सीधा सीधा हो जाए ठीक है कही पार को कथा जान पुतना बद कथा को कथा दशम स्कंद कृष्ण लीला को कथा हाँ को झोर को देख कौन सारा दिन तो देखु कौन देख तुम को कथा गाओ फल बिग्रहणी हाँ देख तो हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपाणौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधु जगत्पते गोपीसह गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रीदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि। बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रीपाद उद्धव महाराज से श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुई है। अगर किसी व्यक्ति को पूछा जाए कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए हैं, सबके सब एक ही वाक्य में कहेंगे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए। कोई भी बोलेगा नहीं कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं, कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रकट और जन्म का अंदर में कुछ पार्थक्य है। लेकिन केवल हमारे श्री गौड़ीय वैष्णवों को पूछा जाए कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए हैं, सबके सब एक ही वाक्य में कहेंगे कृष्ण जन्म हुए मथुर गोकुल में, वृंदावन गोकुल में कृष्ण जन्म हुए हैं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जाहो भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझीवे तुम्हें सिद्धांत धर्म। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते अगर किसको सिद्धांत को अंदर में प्रवेश करना, सिद्धांत का रस को समझना, बोले जब तक गौड़ीय वैष्णव का अनुगत में कोई नहीं श्रवण करते हैं, कहते वो कभी सिद्धांत का जो तरंग है जो रस में वो पूर्ण रूप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो लोग कहते हैं कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए हैं, कहते कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। फिर लोग प्रश्न करेंगे जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। फिर प्रश्न करेंगे बोले आपको ये विचार कहाँ से मिला है, आप बोल रहे हैं कहाँ से, आप तो कथा करते हैं भागवत का, क्या भागवत में ये विचार है ये सिद्धांत है? तब हमारे गोस्वामी लोग पूरा के पूरा सिद्धांत देते हैं। बोले हाँ भागवत में सब जगह में बताया गया है कृष्ण गोकुल में ही कृष्ण प्रकट हुए। बोले कहाँ पर बताओ। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कहते भागवत का जब गोपी गीत है जब कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए, जब अंतर ध्यान हो गए जिस समय ब्रज गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढ रहे हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं, लता पता पशु पक्षी सबको पूछ रहे थे, जब कोई इसका उत्तर नहीं दिए, जब कोई उत्तर नहीं दिए बोले देखो कृष्ण को उसका भजन बहुत प्यारा है, चलो हम जमुना कुल में किनारा में बैठ करके हम कृष्ण का कीर्तन करेंगे, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठा मीनार। देखो जो हम जो कथा सुना रहे हैं ना, अगर एक एक कथा को तुम नोट कर लो फिर तुम्हारी भागवत जानना हो जाएगा, नहीं तो कोई पूछो तो ना हमको पता नहीं कितना बार सुन चुके, बोलो तो ना ही जानते।
इसलिए अगर इसको नोट कर दोगे कहीं भी कभी भी बोल सकते हो इस चीज, हजार बार बोलने पर भी कहीं पूछो बोले हम नहीं, इस गुरुदेव ने इस बात हम सब गुरुदेव से सुन सकते, इसलिए इस सब चीज नोट करने पर क्रम से तो नोट करने पर कभी भी हम भी एक दिन कहीं भी जाओगे हमारे गौड़ीय सिद्धांत को तुम लोग को सुना सकते हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्या भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मद भक्का जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नारद में वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं। बोले चलो सबके सब जाकर के हम यमुना किनारे में कीर्तन करेंगे। जब कृष्ण कीर्तन किया है, जब जब गोपियों ने कृष्ण का कीर्तन की, कीर्तन का जो गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, कभी कभी गुरु जी को साथ में जो मथुरा के पंडितों में लड़ाई हुई है, मथुरा में एक बहुत बड़े पंडित का उनको स्वागत समारोह था, स्वागत कर रहे थे, और मथुरा के गण्यमान उसी समय में बड़े बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े धुरंधर पंडित बैठे हुए थे, और गुरु जी को भी बुलाया गया था। तो गुरु जी जिनकी स्वागत कर रहे थे उनको महात्मा को गुरु जी बताते हुए उन्होंने बताए कैसे ये एक पंडित थे, कैसे स्थापन करते थे कृष्ण, कैसे गोकुल में जन्म हुए। सारे पंडित गुरुदेव का विरोध हो गए क्योंकि सबके सब मथुरा के रहने वाले, उनके अंदर में अभिमान है कृष्ण हमारी मथुरा में ही कृष्ण प्रकट हुए वह जन्म हुए, उनका ही अभिमान। उस समय गुरुदेव ने भागवत से अलग अलग स्थान से श्लोकों को उद्धृत करते हुए गुरुदेव बता रहे थे, कहते ये गोपियां ही बता रही है बात को, मैं नहीं बता रहा हूँ। जहाँ पर गोपियां 100 करोड़ गोपियां और श्रीमती राधा रानी जहाँ पर ये बता रही है क्या कह रही है, बोले जयति तिधिकम जन्मना ब्रज क्या कह रहे हैं, बोले जयति ते धिकम जन्म ना ब्रज, बोले हे श्याम सुंदर जब से तुमने ये ब्रज में जन्म हुए हो, हैं जयति ते अधिकम, यद्यपि वृंदावन धाम का महिमा तो है ही है लेकिन कब से और ज्यादा महिमा बढ़ गया, बोले जन्म ना ब्रज, जब तुमने ब्रज में जन्म हुए हो वृंदावन का जो महिमा, क्यों तुम अजन्मा होते हुए भी जो जन्म लिए हो, कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं अजो अपि सर्ण अभयात्मा भूतानापि ईश्वर अपि सर्ण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्मया, कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले हे अर्जुन मैं अज हूँ मेरा जन्म नहीं, इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम। कहते एवं जह व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नयति मामेति स्वर्जुन, हे अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म ये दिव्य और अप्राकृत अवलौकिक है, अगर ये तत्व को कोई सही सही समझ लिया तो त्यक्त्वा देहं शरीर छोड़ने का बात पुनर्जन्म न विद्यते, हैं फिर वो व्यक्ति जगत में जन्म लेना उसको नहीं पड़ता है। इसलिए गोपियां कहती है श्याम सुंदर ये ब्रज की महिमा तब से ज्यादा बढ़ गई जब से तुमने ब्रज में जन्म लिए हो, लेकिन ब्रज में तो जन्म लेने पर सभी लोग का आनंद प्रसन्न है। हाँ इसलिए रमा किरण अभृत नृप, इसलिए जहाँ पर वृंदावन धाम में श्री लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गई है सबके सब तो सुखी है, लेकिन तुम्हारा जो ये ब्रज गोपियां है ना तुम्हारे विरह में ये सब के सब तुम्हारी विरह में दुखी है, इसलिए हे श्याम सुंदर तुम हमें दर्शन दे करके हमारी विरह दुख को तुम दूर करो। ये एक श्लोक है, हैं
तो दूसरा श्लोक कहाँ पर है, पहले जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण जन्म हुए, जन्म होने पर सुखदेव गोस्वामी 18 श्लोक में उन्होंने नंद महोत्सव को उन्होंने 18 श्लोक वो वर्णना करते हैं। जो नंद महोत्सव का जो पहला जो श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते नंदस्तु आत्मज, कहते कृष्ण कौन है, बोले ये नंद बाबा का ही आत्मज है। इसलिए आत्मा नाम जायत पुत्र, इसलिए ये बेटा किसका बेटा है, बोले ये नंद के लाला है, नंद का ही ये बेटा, इसलिए नंदस्तु आत्मज जाता लाद महामना। इसलिए श्री नंद बाबा ने क्या हुआ, जब कृष्ण जन्म हुए नंद बाबा उन्हें बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए हम क्या कहते हैं, वसुदेव का आनंद भयो जय कन्हैया लाल कोई नहीं कहते, क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो वसुदेव का आनंद भयो कोई नहीं बोलते हैं, हैं? इसलिए अहम नंद कोले गोविंद, हम उड़ियार कहते ना अहम नंद कोले गोविंद, ये मतलब उड़िया भाषा में भी नंद का ही आनंद भयो है। इसलिए ये दो श्लोक है। कद और कहाँ पर श्लोक है, जिस समय श्री गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए आए तो उन्होंने कृष्ण का जन्म पत्री, कृष्ण का जन्म नक्षत्र को देख